हेलो गाइस, क्या हाल आप सब लोगों के। मेरा नाम कार्तिक, आज बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो के बारे में। और कुछ टाइम पहले हमने इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का रिव्यू किया था। सो फार काफी सही फोन निकल के आया है बजट रेंज के अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि लो बजट रेंज के अंदर। और इसका भी प्राइस पॉइंट कुछ ऐसा ही है, 9500 से ये जो फोन है शुरू हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये लेके आता है पैकेज, जैसे इन्फिनिक्स की लेगेसी मेरे सामने रही है। सो फार काफी सही निकल के आया फोन। उसकी हमने परफॉर्मेंस की टेस्ट पूरी कंप्लीट कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर आप चेक कर लो। और उसी के साथ गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर डीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजे ही आ जाएंगे। तो एस्थेटिक की बात करो तो लुक एट इट, मतलब ये फोन जो है फर्स्ट पॉइंट जब मैंने देखा पूरी तरीके से मेरे लिए ये डिजाइन नया है। और सेम गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के जैसे इसमें भी कैमरा पूरी तरह से बॉडी से अलग कर दिया गया है, और यहाँ पे बीच में कैमरा नहीं है। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये कितने मेगापिक्सल का कैमरा है कंपनी ने बताया नहीं है। डुअल फ्लैश है, और ओल्ड स्टाइल यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। पूरा फ्लैट डिजाइन के साथ में आता है फोन, एंड लुक एट द डिजाइन, काफी सही है। कलर जो इसको कंपनी बोलती है वो है लाइट सोबर ग्रीन, और फोन जो है बॉक्स डिजाइन के साथ में। यहाँ पे कुछ बटन्स है, और नीचे की साइड पे 3.5 mm का जैक मिल जाता है। टाइप सी है, स्पीकर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है टीयर ड्रॉप हो गया। और आई डोंट नो गाइस, सूट के बीच में फोन जो है शट डाउन हो गया, और अभी मैं वापस को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये पहली बार हुआ है विद इन 2 or 3 days जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं वगैरह चीजें निकाल रहे हैं, और अभी इसको चालू होने में टाइम लग रहा है। और आगे की साइड में यहाँ पे टीयर ड्रॉप नॉच, और नीचे के साइड बहुत ही छोटी सी बेजल मिल देखने के लिए मिल जाती है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। मतलब 9500 पे ये बेजल मैंने नहीं देखी, मतलब लिटरली बड़ी होती है। लुक एट इट, काफी सही है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, आई जस्ट लव्ड इट। अब बात करूं उसके इन हैंड फील की, सो यस, आराम से एक हाथ में आ जाता है बॉक्स डिजाइन के साथ में चारों तरफ से, और हल्का हल्का यहाँ पे फ्रेम से ये बाहर निकला हुआ, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल इट फील्स गुड, हाथ में सही लगता है। बट मेन पार्ट इसके 6.6 इंच की इस डिस्प्ले के अंदर हमें मिल जाता है नन अदर देन 90 हर्ट्ज का ऑप्शन, प्लस ऑटो स्विच का भी ऑप्शन है इसके अंदर। सो यस, 90 हर्ट्ज पे रखेंगे अभी अपन। सो ये चीज काफी अच्छी है, और अच्छे से काम करता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब 6.6 इंच की ये डिस्प्ले दी हुई है, बट थोड़ा सा मुझे निराशा हुई वो ये कि ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है, बट लुक एट द क्वालिटी। सबसे पहले मैं आपको रेजोल्यूशन बता देता हूँ, यहाँ पे जो 1080p 60fps में जो है मैक्सिमम जा सकता हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे ये देखो फुल है ब्राइटनेस अभी, और यप लुक एट इट। सो कलर्स की सैचुरेशन की बात करूँ, सो हल्का सा मुझे डल लगा, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो एक इसका प्लस पॉइंट है। 480 निट्स तक ये जा सकता है, सो ब्राइटनेस के मामले में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, एक वो होता ना कि रिच एक्सपीरियंस आपको अगर इसके डिस्प्ले में चाहिए वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। गेमिंग हमने करके देखी इसकी, सो 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, और ये चीज गेमिंग के अंदर दिखती भी है। प्रॉपर गेमिंग के लिए मुझे लगता है कि 240 हर्ट्ज एटलीस्ट होना चाहिए किसी फोन के अंदर, और इसमें 180 हर्ट्ज दिया हुआ है। आप गेमिंग वाला सेक्शन देख सकते हो, वहां पे एक बार फोन लिटरली चिपक गया था। और फास्ट गेमिंग अगर आपको करनी है सो इट इज नॉट क्वाइट गुड, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस की बात करूं यहाँ पे इट इज phenomenal, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे काफी सही परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सो कैमरा की बात करूं गाइस, सो कैमरा का सेटअप आई लव इट। सो ऊपर वाला कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है, नीचे ये कोई कैमरा नहीं है, जस्ट डिजाइन है। और यहाँ पे ये डेप्थ सेंसिंग कैमरा कितने मेगापिक्सल है कंपनी ने क्लेम यहाँ पे नहीं बताया कहीं पर भी। आगे की साइड पे दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। सो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रंट कैमरा से। सो यहाँ पे पहला फोटो ये है, और इंडोर कंडीशन के अंदर लिया हुआ है, देन ये आउटडोर कंडीशन के अंदर है, थोड़ा सा ठीक निकल के आया है। तो आगे की साइड पे हमें पोर्ट्रेट फोटो का ऑप्शन मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे, रेयर कैमरा से नॉर्मल फोटो। सो काफी ब्राइट कर दिया इन फोटोज को इन्होंने, और यहाँ पे ये रहा पोर्ट्रेट। सो पोर्ट्रेट भी अच्छे फोटोज निकाल के दे रहा है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, मैं शिकायत नहीं करूंगा। ब्राइटनेस को लो किया एंड देन ये फोटो निकल के आया है, एक्चुअली वेरी गुड फोटो 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और मुझे कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया इसके नॉर्मल और 50 मेगापिक्सल के कैमरा के अंदर। क्या रहा कैमरा का लास्ट में बताऊंगा। परफॉर्मेंस में दिया हुआ इसके अंदर Tiger 616, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर मैंने Tiger 616 अभी तक नहीं देखा है। रियलमी के कुछ टैब्स आते हैं 13, 14, 15 हजार, even 18 हजार के फोन्स में भी Tiger 616 देखने के लिए मिला है। 9500 के प्राइस पॉइंट पे Tiger 616 देखना, इट इज अ गुड थिंग। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, बता देता हूँ मैं आपको। सो यस, एंड ये रन कर रहा है XOS 10.6 के ऊपर, और बैटरी जो है इसके अंदर 5000 mAh की दी हुई है। रैम जो अभी हमारे पास में है 8/128 के अंदर है। स्टोरेज टाइप जो है वो दिया हुआ है UFS 2.2, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब फास्ट फास्ट काम करेगा हर चीज। सो परफॉर्मेंस के मामले में काफी सही निकल के आई चीजें। और आगे की बात करता हूँ भाई, सो क्या निकल के आया रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज एक्चुअली गुड। सो यहाँ पर रैम का टाइप मेरे को नहीं मालूम, लेकिन स्टिल इट इज अ गुड थिंग कि काफी सही से परफॉर्म करता है, जैसे जहां छोड़ा चीजें वहीं से जस्ट स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। सो यस, रैम मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, लेकिन कितना गुड वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने
आधा पौना घंटा कोई एप्लीकेशन ओपन करके रखी है, तो पौने घंटे बाद में अगर आप ओपन करोगे तो आपस वो रीओपन होने शुरू हो जाती है। सो यस, आधा घंटा तक इसका रैम मैनेजमेंट काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और मुझे नहीं मालूम इसका रैम टाइप क्या है, आपको फिर से बता देता हूँ। परफॉर्मेंस के मामले में फोन काफी सही निकल गया है। बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है बता देता हूँ। और एक चीज हमेशा मिली रही है इन्फिनिक्स के बॉक्सेस के साथ में कि इनकी पैकेजिंग जो है बहुत ही बेकार होती है लिटरली। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से फोन निकाला था, इसके अंदर फोन रैप होके आया एंड देन ये इसकी पैकेजिंग, नो सेक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है। 18 वाट का चार्जर इसके साथ में, एक टाइप सी केबल मिल जाती है और इनके एक्स क्लब का ये एक डॉलर वाला सिंबल मिल जाता है। सो यस, और एक है इसके साथ में केस, सो ये आपको साथ में मिलेगा। और हल्का सा पीला पड़ गया, आई डोंट नो व्हाई, अभी जस्ट फोन में हमने निकाला ही है। और यस, फिट्स गुड। तो डिजाइन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा के मामले में बताऊँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको कैमरा कोई दिक्कत नहीं देगा। और इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर मिल जाते हैं इन्फिनिक्स के अंदर पर्टिकुलरली, मैं आपको बता भी देता हूँ। सो अगर आप कैमरा एप्लीकेशन खोलोगे सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सुपर नाइट मोड कोई काम का है नहीं एक्चुअली, लेकिन फीचर जो है आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। वीडियोज के अंदर भी काफी ज्यादा फीचर्स है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो है वो 1080p तक जा सकते हो और रियर कैमरा में। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे इन्फिनिक्स के फोन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर्टिकुलरली ये फोन में थोड़ा टच रिस्पॉन्स का दिक्कत है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो भी कंटिन्यूस नहीं, कहीं कहीं पे हल्का सा आपको छोटी बड़ी चीजें दिखाई देगी। बात करता हूँ इसकी बैटरी लाइफ की वगैरह तो कैसा निकल के आ रहा है। सो यस, बैटरी लाइफ इज एक्चुअली वेरी गुड। और कल से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट किया था जब इसकी बैटरी थी 76%, और अभी है ये लगभग 40 के ऊपर। और हमने फुल चार्ज करके फिर इसका बैटरी चेक किया था और लगभग आधे घंटे की गेमिंग के बाद में क्या आया था 90 और 85 के बीच में। कौन सा मॉडल लेना चाहिए इसका, इसके दो मॉडल्स हैं, एक 8128 जो हमारे पास में है यहाँ पे, और एक मॉडल आता है इसका 4064। मैं रिकमेंड करूंगा 4064 के साथ में भी जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो ये 9500 में लेके आप 300-400 का एक मेमोरी कार्ड ले सकते हो 32GB का, या फिर थोड़ा सा और 500 रुपए का लोगे तो शायद 64 का भी मिल जाएगा आपको। सो यस, 500 रुपए में 10000 मतलब 128GB आपका हो जाएगा। सो यस गाइस, बिल्कुल यह फोन ले सकते हो, अच्छी तरह से रिकमेंडेड, काफी सही डिजाइन है टू बी ऑनेस्ट। तो आर आई होप मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आगे कहीं कहीं बैंक डिसीजन में हेल्प करेगा। सो अभी के लिए गुड बाय।